नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आपकी एक कमेंट हमेशा मुझे आती है कि संतोष भाई हम फिल्टर कौन सा लगाएं, हमारे पास कुआं है, तालाब है, नदी है, हमारी ड्रिप इरिगेशन चोकअप हो रही है उसके वजह से, तो हम क्या करें। तो दोस्तों फाइनली हम लोगों ने एक फ़िल्टर ऐसा लगाया कि हमारी ड्रिप कभी चोकअप नहीं होगी, अब परेशानी भी नहीं होगी, ड्रिप इरिगेशन ख़राब भी नहीं होगी। तो उसका ये कितना हमें खर्चा आया, हमने ये सिलेक्ट क्यों किया, इसका फ्लशिंग वॉशिंग कैसे होता है, पूरी आज डिटेल में ए टू जेड हम जानकारी लेने वाले हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो पूरा अंत तक देखना है, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो दोस्तों हमारा ये है कुआं 30x50 का जैसे देख सकते हैं, और उसके साइड से हमारा एक छोटा सा नाला गुजरा हुआ है। तो हमारा कैनाल को जो पानी आता है तो ये नाले में भी आता है, और इसका पानी हम लोगों ने कुएं में डाला, तो हमारा कुएं का पानी एकदम ख़राब, मतलब जैसे मिट्टी जैसे पानी पूरा हो जाता है। और वो पानी जब हम उठाते हैं तो हमारी ड्रिपेशन बहुत चोकअप हो जाती है। तो हमारे पापा कई दिन से परेशान थे क्या करना है। तो मैंने थोड़ा सा सोचा, तो मुझे पता ही था ऐसा करना है, लेकिन थोड़ा सा मैंने और सोच विमर्श किया कि कौन सा लगाए, कौन से कंपनी का लगाए, क्या लगाए। तो बहुत सोचने के बाद, तो आपको पहले मैं बताता हूँ, ये मेरे कुएं से दो मोटर निकली, एक 3 HP की, एक 5 HP की है। क्योंकि दो ही मोटर इसलिए मैंने रखी है कि बैकअप में रहना चाहिए, क्योंकि आगे हमारा इतना एरिया है, ग्रीन हाउस है, गन्ना है, कुकुम्बर है, और कई सारे हम चीज़ें लगाते हैं, करेला है, तुरई है, पानी की कमी ना हो और उसके वजह से फसल हमारी ख़राब ना हो। तो हमने किया क्या, जो हमारी जो मेन लाइन आती है उसको सीधा हम लोगों ने फ़िल्टर फिट किया है। तो दोस्तों ये है फ़िल्टर, ये नेटाफीम का हमने लगाया। तो ये जो है 30,000 लीटर पर घंटे ये पास करता है दोस्तों, ये फ़िल्टर है, इसको प्राइमरी फ़िल्टर कहते हैं। और इसके बाद ये दूसरा फ़िल्टर है दोस्तों, इसको सेकेंडरी फ़िल्टर है, ये स्क्रीन फ़िल्टर हम लोगों ने लगाया, ये देख सकते हैं छोटा वाला। तो देखिए दोस्तों, ये 30,000 लीटर एक घंटे में जो पानी पास करता है, ये 15 HP तक मोटर में कोई भी इसको फिट कर सकता है। देख, जिसकी 10-20 एकड़ खेती है वो आराम से फिट कीजिए, मेरी तो 10-11 एकड़ है, तो मैंने ये फिट कर दिया है। इसके अंदर दोस्तों बालू आती है, बालू में पानी पूरा अंदर जाता है, उसमें वॉशिंग के आगे जाता है। तो मैंने यही सिलेक्ट क्यों किया, तो दोस्तों जब मेरे कुएं का पानी इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि उसको पहले प्राइमरी फ़िल्टर चाहिए गंदगी पकड़ने के लिए, उसके बाद सेकेंडरी चाहिए आगे, अगर उसमें से भी गंदगी पास होती है तो सेकेंडरी फ़िल्टर में रुक जाएगी, तो दोनों में इसमें से अगर जाएगी तो आगे वाले फ़िल्टर में रुक जाएगी, तो मेरी ड्रिप इरिगेशन में आगे कुछ नहीं जाएगा। तो हमने मेन लाइन यहाँ पर ज्वाइन कर दी, उसके बाद इधर इसमें पानी आता है, फिर इसमें वॉश होता है, फिर सेकेंडरी में जाता है, और ये हमारी मेन लाइन आगे गई। वो देखिए, मैंने हमने मेन लाइन में वहाँ पे जोड़ दिया। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको सिस्टम समझाता हूँ, ये देखिए यहाँ से जॉइंट किया है ये, और यहाँ से एक ये टी से, और दोनों एक में डाल दिया मैंने। अभी हमारा इंजन भी है, जैसे लाइट नहीं रहती तो हम इंजन चलाते हैं, तो यहाँ इंजन के लिए मैंने एक एक्स्ट्रा यहाँ पे टेलपीस निकाल के रखा है, यहाँ पे इंजन वो देख सकते हैं, मैंने ढाक के भी रखा है, तो वो हम इंजन भी यूज़ करते हैं। तो यहाँ से पानी अंदर गया, यहाँ से पूरा पानी अंदर इस फिल्टर में जाता है प्राइमरी में, इसके आगे जाता है, फिर इसको दोस्तों यहाँ पे एक मीटर गेज रहता है, ये देखिए जब फिल्टर ज़्यादा चोक हो जाता है तो यहाँ पे ये मीटर गेज 40-50 पे आता है, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो अभी जो यहाँ पे गया है लगभग 10 के आसपास, अभी मैं आपको इसको वॉश करके दिखाता हूँ। अभी आपको सबसे पहले तो करना क्या पड़ता है कि ये वॉशिंग के लिए इसको, जब मेरा काटा ये 20-40 के ऊपर चला जाता है तो यहाँ से पहले इसको ऑन कर देना, ये देखिए, और इधर पूरा पानी निकलने लगेगा वॉशिंग के लिए। और उसके बाद क्या है, दूसरा यहाँ पे वॉल रहता है, इसको चालू कर देना नीचे वाला, ताकि फ़िल्टर के अंदर पानी घुस जाए, तो ये नीचे वाला चालू कर देना ये, और ये ऊपर का बंद कर देना है। मतलब अभी फ़िल्टर के नीचे से पानी जा रहा है और वॉशिंग हो के पूरा पानी ऊपर आएगा, ये देखिए इधर देख सकते हैं, अभी गंदा पानी इधर से निकलेगा। तो इस तरीके से इसको वॉशिंग करना है, बड़ा ही आसान है, बस इसको मतलब इस फिल्टर से जो एक बाहर निकला है इसको घुमा देना है, पूरा अंदर से बाहर चला जाएगा, और इधर से इसको बंद कर देना है और नीचे से पानी फ्लश हो जाएगा। अंदर से इसको बालू रहती है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ पे ये खड़ा फिल्टर है दोस्तों, इसमें ये देखिए इस टाइप की बालू रहती है, देखिए, और इसमें से गंदगी पूरी नीचे बैठ जाती है। इसको बड़ा आसानी से बैठा देना इसको। तो इसके अंदर बालू होने की वजह से क्या हो जाता है कि बालू के अंदर पानी जाता है और बालू से अंदर पूरा गंदगी बैठ जाता है और पानी आगे पास हो जाता है, उसमें से भी बालू से भी गंदगी आगे जाती है। तो हमारा एक छोटा फिल्टर है यहाँ पे, देखिए सेकेंडरी फिल्टर इसको कहते हैं, तो इसमें पूरा गंदगी फंस जाता है। इसको भी मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, ये देखिए अभी इसमें पानी भरा हुआ है,
ये देखिए, ये इसमें रहता है जाली और ये भी पूरा रोक देता है, गंदे के आगे नहीं जाने देता है। अगर आपकी इस फिल्टर से भी आगे आती है तो इसको भी हम बंद कर देते हैं। इसको बड़ा आसान है ऑपरेट करना, इसको बस इसको लगा देना है, बस काम खत्म। तो बड़े ही आसानी से ये फिल्टर दोस्तों आपका पूरा कचरा जो ड्रिप में जाता है वो रोक देता है, और बड़े आसानी से आपको इसका ऑपरेट सिस्टम भी है। आप अगर सामने से एक बार समझ लेंगे तो आपको आसानी से समझ पाएंगे। बस प्रेशर गेज मीटर पे ध्यान रखना है और जो हॉल आप घुमा रहे हैं तो उन चीज़ों पे ध्यान देना है। जैसे कि अभी मैंने मेन लाइन का हॉल बंद कर दिया, अगर मोटर चालू करेंगे तो फूट जाएगा, इसके लिए हमेशा चालू रहना चाहिए। ये जब फ्लशिंग करते हैं तभी आगे का बंद करना चाहिए बस। ये तो बड़ा आसान दोस्तों हो गया। दोस्तों एक और चीज़ ज़रूरी बात की, इस फिल्टर में जो है सब्सिडी वगैरह अभी कुछ अवेलेबल नहीं है गवर्नमेंट की, आपको पूरा खर्चा जो आपको खुद को ही करना पड़ेगा। लेकिन इरिगेशन सिस्टम में वगैरह गवर्नमेंट का मतलब सब्सिडी है, 50% तो आपको उधर सब्सिडी मिल जाती है। और ये फिल्टर जो आपको 2.5 इंची 3 इंची अलग अलग वेरिएशन में आता है, वो आप देखिए आपका एरिया जो है मतलब खेत का, वहाँ पे आपको इंजीनियर बुला के वहाँ पे चेक करना पड़ेगा। मैंने एक नेटाफीम का आदमी बुलाया था, उनको पूरा मैंने दिखाया बताया कि मेरी ये मोटर है, ऐसा है वैसा है, पूरी जानकारी उनको दी, तब उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि ये फ़िल्टर आपको लगाना चाहिए। मैं भी आपको वही सजेशन देना चाहूँगा कि प्राइमरी फ़िल्टर में आपको देखिए हाइड्रोक्लोन फ़िल्टर भी आता है, सैंड फ़िल्टर भी आता है। तो कुछ लोग हाइड्रोक्लोन भी लगाते हैं, कुछ सैंड लगाते हैं, तो मुझे थोड़ा सैंड समझ में आया इसलिए मैंने सैंड लगाया। लेकिन अभी मैं 1-1.5 महीना चला के फिर इसका छोटा सा एक वीडियो करने की कोशिश करूँगा आपको रिव्यू देने के, हाँ यार सही है कि नहीं, ठीक है कि नहीं। लेकिन फिर भी मुझे तो ठीक लग रहा है, अभी 2-4 दिन हुए लगाए, मैं देख रहा हूँ ठीक ठाक चल रहा है, आगे गंदगी नहीं जा रही है, आगे मैंने चेक भी किया आगे बल्टी में पानी लेके। लेकिन ये है कि अभी हमारे पाइपलाइन में कुछ दिन तक गंदगी है, वो गंदगी निकलने में टाइम लगेगा, तब तक वो गंदगी निकलती रहेगी। जब एक बार वो निकल जाएगी फिर हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, जो भी हम लोग पानी उठा रहे वो चला जाएगा। और ये फ़िल्टर दोस्तों आप तालाब पर लगाइए, कुएँ पर लगाइए, कहीं पर भी A to Z जगह पर लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पानी साफ़ सुथरा आगे जाएगा ही जाएगा। जब जब ये मतलब जाम हो जाएगा आपको मीटर गेज बढ़ेगा, वहाँ पे आप फ्लश कर सकते हैं। और दोस्तों आपके पास थोड़ा बहुत पैसा आप लगाते हैं और तो इसको ऑटोमेटिक फ्रेश रिलीज वॉल लगा सकते हैं, ताकि आपको यहाँ आना भी नहीं पड़ेगा। जब ये प्रेशर गेज मीटर आप सेट कर देंगे 50-60 पे, तो ये ऑटोमेटिक जो रिटर्न वाला आपने लगाया है मतलब गेज मतलब प्रेशर गेज पे होता है, वो खुद ही खुल जाएगा, खुद ही फ्लश हो जाएगा पानी। तो यहाँ पे आने का आपका झकझक खत्म हो जाएगा कि आओ वॉल घुमाओ 50 बार। तो हमने तो दिन में 2-4 बार खेत में आना पड़ता है, तो हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं, हम तो वॉल घुमा सकते हैं। लेकिन पैसा खर्चा करके और दिक्कत नहीं है, आगे चल के हम सोचेंगे ऑटोमेशन वगैरह करने के बारे में, तब हम वो कर देंगे सिस्टम पूरा बैठे बैठे। तो उसमें भी बहुत खर्चा है, ऑटोमेशन का वीडियो हमने बनाया, वो चैनल पे आप जाके देख लीजिए उसमें कितना खर्चा है क्या है। नेटाफीम का ही हमने बनाया था, वो बहुत ही जानकारी और हेल्पफुल वीडियो है आपके लिए। तब दोस्तों अब ये मैंने फ़िल्टर सिलेक्ट क्यों किया, क्योंकि मेरा बहुत पानी गंदा है, ज़्यादा गंदा है। मैंने जब स्क्रीन फिल्टर लगाया तो स्क्रीन फिल्टर 1-1 घंटे में चोकअप होने लगे, तो मुझे बार बार खेत में आना पड़ा, पापा आते थे वहाँ साफ़ करना पड़ता था, बार बार आके उसमें से फिर आगे गंदगी चली जाती थी, फिर स्क्रीन फिल्टर खिसिया के अगर निकाल दिया हम लोगों ने तो ड्रिप इरीगेशन ख़राब होने लगी। 1 एकड़ में 50,000 खर्चा होता है ड्रिप इरीगेशन अच्छे वाली बिछाने में, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्चा होने लगा। तो हमने सोचा क्यों ना यही लगाया जाए। तो इसमें क्या है कि एक 30,000 लीटर घंटे में आता है, एक 50,000 आता है, 80,000 आता है, आपको जितना बड़ा चाहिए उतना आप मंगवा सकते हैं। आपकी बड़ी खेती है तो बड़ा फिल्टर आप लगा सकते हैं, 15 HP की मोटर है, किसी 20 HP की है, ज़्यादा HP की जितनी मोटर है उतना बड़ा आपको फिल्टर लगाना पड़ता है। तो हम लोग इसीलिए चूज़ किया कि हमारा दिक्कत होता था बार बार, आधा आधा घंटे भी 10-10 मिनट में 20-20 मिनट में फिल्टर बहुत तेज़ चोक हो जाता था, क्योंकि नाला का पानी सीधा हमारे कुएँ में गिरता था। तो अभी हमारे 2 कुएँ हैं, तो दोनों कुएँ पर हम लोगों ने ये फिल्टर लगाया है। तो अभी हमको इसमें खर्चा कितना आया, अगर खर्चे की इसमें बात करें तो हमारा ये 30-32 हज़ार रुपये तक ये प्राइमरी फ़िल्टर, ये सेकेंडरी फ़िल्टर, इसका इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन पूरा लेके 30-32 हज़ार रुपये तक मुझे एक फ़िल्टर का खर्चा आया, मतलब 60,000 तक मुझे 2 फ़िल्टर इसमें गया। इसका रेट देखिए कि आप अपने एरिया वाइज अलग हो सकता है, अलग अलग फ़िल्टर्स मतलब अलग अलग एरिया के अलग अलग रेट्स थोड़ा बहुत डिफरेंस रहते हैं अलग अलग कंपनी वाइज। ये तो नेटाफीम का है फिलहाल, जेनरिगेशन का भी आता है और भी कई सारे कंपनियाँ हैं वो फिल्टर प्रोवाइड्स करती है, इंस्टॉलेशन भी करके देती है। इंस्टॉलेशन में कोई झकझक नहीं है ज़्यादा, एक दिन में हमारा 2 लोगों ने यहाँ पे फिट कर दिया, हमारे पापा और 2 लोग एक्स्ट्रा आए थे, वो पूरा फिटिंग हो गया। अब इससे फ़ायदा ये है कि हमारी इरिगेशन कभी आगे चोक नहीं होगी, ईजी हमारा काम हो गया, बार बार धोने की समस्या नहीं है। फ्लश करने के लिए बस वॉल घुमाना है और फ्लश कर दीजिए, गंदगी आगे पूरी निकल जाएगी, आगे बालू भी नहीं जाती है, जाएंगी तो वहाँ पर हम लोगों ने बोरियाँ बिछाई है उस पर आ जाएगी, हमको पता चल जाएगा तुरंत ही। तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही इसका फ़ायदा है दोस्तों, और आसान है ये चलाना, इसको ऑपरेट करना मतलब कुछ है ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी आपको कुछ दिमाग में अगर इसके बारे में सवाल हो
तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अभी मैंने जितना हो सके दिखाने की कोशिश की, लेकिन ये अपना घर का ही फिर से एक बार वीडियो बन सकता है। अगर आपको चाहिए तो कुछ इसके बारे में जानकारी तो आप मुझे कमेंट में पूछें। और आपको दोस्तों वीडियो कैसे लगा मुझे ये भी बताइए। वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाजिर होंगे एक और नए वीडियो के साथ। दोस्तों तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।